साथियों, इस एक्सपो को आपने टैगलाइन दी है बियॉन्ड बाउंड्रीज। ये शब्द भारत की भावना को दिखाते हैं। हम आज पुरानी बंदिशों को तोड़कर पूरी दुनिया को साथ लाना चाहते हैं। हम ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका का विस्तार करना चाहते हैं। इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के सामने संभावनाओं का पूरा आसमान है। आइए अमृतकाल के विजन पर आगे बढ़े। आइए भारत को एक क्षेत्र का ग्लोबल लीडर बनाए। और मैं टायर वालों के क्षेत्र में अभी चक्कर काट के आया और मेरा पहले दिन से इन टायर वाली दुनिया से झगड़ा रहता है। मुझे अभी भी समझ नहीं आता है कि भारत जो खेती प्रधान देश है उसको रबर इंपोर्ट क्यों करना पड़े। क्या टायर इंडस्ट्री का जो एसोसिएशन है वे मिलकर के किसानों के साथ बैठ करके जो भी टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन कर रहे हैं, जो भी उनको गाइडेंस देना है और जो उनको एश्योर्ड मार्केट देना है, मैं पक्का मानता हूं हिंदुस्तान का किसान आपकी रबर की आवश्यकता पूरी कर सकता है। आज रिसर्च करके जेनेटिकली मॉडिफाई किए हुए रबर ट्री पर बहुत काम हुआ है। भारत में अभी उसका इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं टायर बनाने वालों से आग्रह करूंगा, रबर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए जो इंडस्ट्रीज है उनसे आग्रह करूंगा कि जरा किसानों के साथ जुड़िए तो सही है। हम इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़े जी। हम टुकड़ों में ना सोचे, रबर बाहर से मिल जाता है, चलो यार अपन बनाएंगे दौड़ाएंगे। अरे कभी ये भी तो सोचे कि मेरा किसान मजबूत होगा तो मेरा देश में चार गाड़ी और खरीदेगा। और गाड़ी कोई भी खरीदे, टायर तो आप ही का लगने वाला है जी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि साथियों, आप लोग पहली बार जब इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ आए हैं, नए सिरे से कैसे सोच सकते हैं, एक दूसरे को हेल्पिंग हैंड बनकर के नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और आज हम एक ऐसे स्टेज पर हैं, हम जितने साथ मिलकर काम करेंगे हमारी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी और हम दुनिया में छाने का मौका नहीं जाने देंगे। साथियों, डिजाइन के क्षेत्र में भी आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े क्षेत्र हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी रिसर्च लैब हिंदुस्तान में ना हो। भारत के पास एक टैलेंट है, डिजाइनिंग की टैलेंट है। अब हमें हमारे लोगों के दिमाग से निकली हुई डिजाइन लेकर के आना चाहिए, दुनिया को लगे यार गाड़ी तो हिंदुस्तान की चाहिए, आवाज वो उठनी चाहिए। गर्व से वो कहे, रास्ते में जाता है तो कोई भी, अरे ये हमारी मेड इन इंडिया है, यार जरा देख के गाड़ी तो देखे जरा। मैं मानता हूं ये मिजाज पैदा करना चाहिए। और अगर आपका आप पर भरोसा होगा ना तो दुनिया आप पर भरोसा करेगी। मैं जब दुनिया के सामने योग की बात लेकर के गया था, यूं मैंने योग की बात कही थी, तो मैं वापस हिंदुस्तान आया तो मुझे कई लोग कह रहे थे क्या मोदी जी यूएन में पहला भाषण करने गए और आप ये करके आए। लेकिन आज पूरी दुनिया नाक पकड़ करके बैठ गई है। अपने आप पर भरोसा करिए, सामर्थ्य के साथ खड़े हो जाइए। विश्व का कोई ऐसा रास्ता ना हो जहां आप नजर ना आए। दोस्तों, जहां से नजरें तुम्हारी गुजरे वहां पे तुम्हारी गाड़ी तुम्हारी नजर आए।